डिस्कस करने वाले हैं केएल यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में, और यहाँ पर एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन उन्होंने ओपन किए हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल्स। इसकी लास्ट डेट है 6th of December, तो इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर आपको जाना है गूगल में, और उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप करना है dynamicstudy.com। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टैब है पीएचडी एडमिशन का, इस पर क्लिक कर लीजिए, और ये आपका पहला नोटिफिकेशन केएल यूनिवर्सिटी का है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी किस तरीके की यूनिवर्सिटी है। ये एक प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कहाँ पर है ये और कहाँ पर प्रोग्राम इन्होंने ऑफ़र किया है? इन्होंने अपने दो कैंपस में प्रोग्राम को ऑफ़र किया है, एक है आपका विजयवाड़ा और एक है हैदराबाद। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? डिपार्टमेंट में आपके इंजीनियरिंग है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, लॉ एंड फार्मेसी, ये सारे प्रोग्राम इसमें अवेलेबल हैं। पीडीएफ प्रोग्राम भी इन्होंने निकाला है, इसमें आपका इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट में आप ये भी पीएचडी इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है या नहीं है। यहाँ पर मैंने लिस्ट दी हुई है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन की, वो है 6th December। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ऑनलाइन, वो आपका 13th of December को होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू है 21st December, और डेट ऑफ रिजल्ट्स है 4th of January। और इसका जो स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कोर्स वर्क है, वो 20th and 23rd of January से स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना मत भूलिएगा। केएल यूनिवर्सिटी पीएचडी की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो आपको किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले आपको इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.kluniversity.in, इस पर आपको विजिट करना है। उसके बाद वहाँ पर आप 1100 रुपीज़ देकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी 1100 है। और इसके अलावा इस पर किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो इंटरव्यू और एंट्रेंस दोनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, प्लस आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी चेक किया जाएगा। अगर आपको आप नेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई है, तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी। इंजीनियरिंग वालों के लिए 18,000 है, और साइंस वालों के लिए 15,000 है। इसके अलावा 5,000 per month भी है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस की सारी जो नोटिफिकेशन शेयर की थी उसका ये नोटिफिकेशन है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।